अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन, स्टे ब्लेस्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड अवर टुडेज लेसन। इट इज़ ऑल अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन, प्लानर नंबर 86, पेज नंबर 88। यू नो वेरी वेल वी हैव टू ओनली रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द आंसर्स दैट आर गिवन बिलो। रिस्पेक्ट फॉर नेबर्स, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3, पेज नंबर 88। Okay, our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, he who causes his neighbor trouble is not a true believer. ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने हमसाए को तकलीफ देता है वो सच्चा मोमिन नहीं है। A Muslim must never cause harm to his neighbors. एक मुसलमान को अपने हमसायों को कभी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, कभी तकलीफ़ की वजह नहीं बननी चाहिए। अ नेबर इज़ नॉट जस्ट द पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू। हमसाया जो होता है वो सिर्फ वो पर्सन नहीं होता बेटा जो आपके घर के साथ वाले घर में रहता हो, ठीक है, इन योर ओन नेबरहुड, आपके अपने, ठीक है, यानी आपका घर है उसके साथ वो घर है बस वो हमसाया। आ फेलो स्टूडेंट, आ फेलो वर्कर और इवन योर फेलो ट्रेवलर ऑन अ जर्नी आर रिगार्डेड एज योर नेबर। ठीक है, आपका जो स्टूडेंट है वो भी आपके हमसाए हैं, आपके फेलो स्टूडेंट्स जो हैं। फिर आप जहाँ सफ़र कर रहे हो तो सफ़र में जो मुसाफिर आपके साथ हैं वो आपके हमसाए हैं। फिर आप के जो ट्रेवलर फेलोज़ हैं, हाँ, वो आपके हमसाए हैं। और आप कहीं पर भी जाते हो, कोई काम करते हो, इवन आप लाइन में खड़े हो तो आपके आगे और पीछे आपके हमसाए हैं। मतलब हमसाए से मुराद आपके वो साथी जो फॉर द टाइमिंग आपके साथ हैं और आपको एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे के काम को कंप्लीट करने में मदद देनी है। रिस्पेक्ट टू योर नेबर इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब ये बातें दी हुई हैं नीचे, इन चीज़ों को आपने गोल और फोकस करके रखना है, याद भी कर लेना है, इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपने अपने नेबर को इज्जत देनी है। To greet him warmly, वो जब भी आपसे मिले आप उनसे गर्म जोशी से सलाम दुआ करें। To smile at him with a cheerful face, खुश मिजाजी के साथ मुस्कुराएं, ठीक है, एक होती है तंजिया मुस्कुराहट और एक होती है बहुत दिल से अच्छे से हंसते हुए। To help him if he asks for help, आप उसकी मदद करें जब भी वो आपसे मदद मांगे। To lend him if he needs a loan, और आप उसे पैसे भी दें जब उसे लोन चाहिए। To nurse him if he is ill, और अगर वो बीमार हो तो आप उसकी तीमारदारी करें। टू फीड हिम व्हेन ही इज़ हंग्री, और उसे आप खाना खिलाएं जब वो भूखा हो। टू अटेंड हिज फ्यूनरल इफ़ ही डाइज, और अगर वो मर जाता है तो आप उसका जनाजा भी अटेंड करें। नॉट टू ब्लॉक द सनशाइन एंड ईयर बाय रेजिंग योर बिल्डिंग हाई विदाउट हिज परमिशन। आप देखने के इस्लाम कितना कम्प्लीट और मुकम्मल मज़हब है, अगर हम इसके ऊपर अमल करते हैं तो हम कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का शिकार नहीं होंगे, आपस में मोहब्बत से प्यार से ही रहेंगे। आजकल देखें बिल्डिंग्स कितनी कितनी हाई कर लेते हैं, हम कभी ये सोचते नहीं हैं कि हमेरा हमारे हमसाई का राइट बनता है, हमें उससे परमिशन लेनी है, हमें उससे पूछना है कि हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग करनी है आपके। इजाज़त की ज़रूरत है, ठीक है, बट वी डोंट, तो ये करना चाहिए। नो टू डिस्टर्ब और कॉज हिम ट्रबल, उसे परेशान मत करें और ना ही उसे तकलीफ दें। नोट टू एम्बेरस हिम, और उसे शर्मिंदा मत करें। अभी आपने पैसेज पढ़ लिया है, समझ में लिया है नेबर्स के रूल्स हैं कि कैसे आपने रिस्पेक्ट करनी है उनकी, और इस्लाम में क्या मुकाम है उसका जो कि रिस्पेक्ट नहीं करता नेबर्स की। फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड यू हैव टू राइट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन योर वर्क।